मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुटखा व्यापारी कृष्ण कुमार अग्रवाल के गोदाम में छापा। साथ ही प्रशासन ने एक ट्रक को भी जब्त किया। वहीं संचालक मौके से लापता। कलेक्टर नायब तहसीलदार अंजू लोधी की कार्रवाई, सील किया गोदाम। कलेक्टर शीलेन सिंह के निर्देशन पर नायब तहसीलदार ने गुटखा गोदाम पर छापा मारा और एक ट्रक को भी जब्त कर लिया। जांच पड़ताल शुरू कर नौगांव रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास कृष्ण कुमार अग्रवाल के गुटखा गोदाम में छापेमारी की गई। प्रतिबंध के बावजूद भी कलेक्ट्रेट के आदेश और 144 धारा का गुटखा संचालक धज्जियां उड़ा रहे थे, जिसके चलते आज इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। आज यहाँ पे हमारे एजेंसी पे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया गया था और बहुत संख्या में ग्राहक इकट्ठे किए गए थे जो कोरोना में अभी प्रतिबंधित था, तो इस आधार पे यहाँ पे जांच की गई और फोटो की भी रिकॉर्डिंग भी प्राप्त की गई थी कि हाँ वाकई में उल्लंघन किया गया है। तो यहाँ पे जितना भी राष्ट्रीय पान मसाला रखा हुआ था उसका पंचनामा तैयार किया गया है और इस अभी इस गोदाम को सील किया जा रहा है। लगभग 12.5 लाख अनुमानित राशि है, जो कुछ 10 वाली पेटियाँ हैं राष्ट्रीय पान मसाले की, कुछ 20 वाली है, तो उनको एक अनुमान के आधार पर 12.5 लाख। किसका गोदाम है ये? कृष्ण कुमार अग्रवाल का गोदाम है। ऐसी कोई जानकारी है क्या? अब इसकी अभी जांच जारी है और जहां जहां ये पता चल रहा है कि ब्लैक में कालाबाजारी की जा रही है, उनकी कार्रवाई बिल्कुल जारी है। और दोपहर में भी कार्रवाई की गई थी, जैसे गोदाम सील किया गया। मैडम, एक ट्रक भी जब्त किया है आपने? वो ट्रक यहां पे लोडिंग के लिए आया हुआ था, उसके पास दस्तावेज नहीं उपलब्ध थे क्योंकि उसने अभी अपने दस्तावेज यहां से निकाल के अभी उपलब्ध कराया था। मैम, राष्ट्रीय पान मसाला ही मिला कि उसके अलावा भी कोई और? यहाँ पे राष्ट्रीय है, उसका मसाला है और कमला पसंद है। ये विनोद अग्रवाल के नाम एजेंसी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुमार एजेंसी के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है, कृष्ण कुमार अग्रवाल की एजेंसी है।